गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके बाद में देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में देखो, अपन बात करते हैं अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अपने पास ये देखो फाइव जो क्वेश्चंस हैं, इनमें अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट को तो क्या करना है अपने को अंडरलाइन, सब्जेक्ट को क्या करना है अंडरलाइन, और प्रेडिकेट को क्या करना है भाई सर्कल, क्या करना है सर्कल। तो इसमें फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं अपन। द कैट इज ऑन द रफ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया द कैट, तो कैट को तो अपन अंडरलाइन करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, कैट को क्या करेंगे अंडरलाइन। और इसके बाद में जो वर्ड बच गया रिमेनिंग, वो क्या हो गया अपने पास प्रेडिकेट, क्या हो गया प्रेडिकेट। ऐसे देखो द बॉयज आर रनिंग्स, तो द बॉयज तो क्या हो गया अपने पास सब्जेक्ट, और आर रनिंग ये क्या हो गया प्रेडिकेट। ऐसे नेक्स्ट थर्ड में देखिए, दीज बुक्स बिलोंग टू माई सिस्टर, तो दीज बुक्स ये क्या हो गया अपने पास इतना सब्जेक्ट। और इसके बाद में जो पार्ट बच गया है सेंटेंस में, उसको अपन क्या कह सकते हैं प्रेडिकेट। इट मीन्स सब्जेक्ट को छोड़ के रिमेनिंग जो पार्ट है उसे अपन प्रेडिकेट कहते हैं या प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, द बेगर वाज हंग्री, ठीक है द बेगर वाज हंग्री, तो द बेगर है वो तो क्या हो गया सब्जेक्ट, और रिमेनिंग जो पार्ट को अपन क्या कर देंगे सर्कल, और ये क्या हो गया प्रेडिकेट। ऐसे ही फिफ्थ वाले में देखते हैं, द पोलिसमैन कैच द थीप, तो द पोलिसमैन क्या हो गया सब्जेक्ट, और कैच द थीप इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो प्रेडिकेट, और इसलिए अपन ने इसको सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन बी सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, मेज द कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो क्वेश्चन बी में कॉलम ए से बी को मैच करना है, जिसमें अपन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करें। यहाँ पे कॉलम ए में सब्जेक्ट्स हैं एंड बी में प्रेडिकेट्स गिवन है, तो इनको सूटेबल जो प्रेडिकेट के साथ में इसको मैच करना है, सूटेबल प्रेडिकेट के साथ में क्या करना है इसको मैच करना है। देन फर्स्ट फर्स्ट क्या है द रोजेज, द रोजेज के अकॉर्डिंग यहाँ से कौन सा प्रेडिकेट आ रहा है आर रेड, रोजेज क्या है रेड है, तो अपन क्या इसको मैच कर देंगे सीधा एफ से मैच कर देंगे। इसके साथ जो प्रेडिकेट होगा सूटेबल वो क्या होगा द रोजेज आर रेड। हॉर्स, हॉर्स क्या करते हैं रन करते हैं ना, तो रन फास्ट, हॉर्स आर हॉर्सेज रन फास्ट, हॉर्सेज रन फास्ट। ठीक है, मैंगोस, तो मैंगोस क्या होते हैं मैंगोस आर राइप, क्या हो गए पक गए, राइप यानी पक गए। ठीक है, ग्रेप्स क्या होते हैं शार्प, ग्रेप्स कैसे होते हैं शार्प, तो ग्रेप्स आर शार्प। समीर, समीर इज ए गुड सिंगर, समीर के साथ में देखो और कोई सा मैच नहीं होगा ना, समीर इज ए गुड सिंगर, तो समीर का अपन मैच कर सकते हैं यहाँ से ऊपर ले जाके यहाँ पे, समझ में आया समीर इज ए गुड सिंगर। लास्ट वन द स्पेरो, स्पेरो क्या करती है आर बिल्डिंग नेस्ट, स्पेरो आर बिल्डिंग नेस्ट ऑन द ट्री, समझ रहे हो, तो स्पेरो का क्या करती है अपना नेस्ट है वो बिल्ड करती है। नेक्स्ट वाले में देखो क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी के अंदर अगर बात की जाए, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, पिक्चर्स को देख के अपने को क्या करना है इस जो भी सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो राइजेज इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में राइजेस क्या होता है, इस पिक्चर्स में देखिए दिख रहा है ना सन, तो सन आएगा, सन के पहले क्या लग जाएगा एक आर्टिकल द सन,
क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, ईस्ट या जो भी है, यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड है वो द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। देन तुषार, तुषार यहाँ पे तुषार है पिक्चर में, क्या करता हुआ दिख रहा है आपको, पेंटिंग दिख रहा है ना, पेंटिंग कर रहा है, तो तुषार इज पेंटिंग, तुषार इज पेंटिंग, तुषार पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, थर्ड वाला, थर्ड वाले में दिख रहा है काऊ है, ग्रास है, ठीक है, तो इज ईटिंग ग्रास, कौन ईट कर रहा है, ईटिंग कौन कर रहा है, काऊ, तो ये हो जाएगा काऊ, काऊ इज ईटिंग ग्रास। यहाँ पे एलिफेंट है तो एलिफेंट इज ईटिंग शुगर केन, तो यहाँ हो जाएगा दी द एलिफेंट इज ईटिंग शुगर कैन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको ये सारा का सारा जो वर्क है वो अपनी नोटबुक में राइट करना है, डन करना है और उसको एप्लीकेशन पे सबमिट करना है, ठीक है। नाइस टू मीट यू, वीवीएम स्कूल के साथ बने रहें, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।